नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। बरेली आरोग हॉस्पिटल में बम की अफवाह से मचा हड़कंप। बम निरोधक दस्ता और एएस टीम पुलिस लाइन से आरोग्य अस्पताल पहुंची मौके पर। बरेली के सौफटा रोड पर आरोग अस्पताल में किसी ने मुकेश वर्मा के मोबाइल नंबर पर मैसेज दिया कि एकदम 2 बजे बम फटने वाला है। मैसेज की सूचना मिलते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मरीजों को बाहर निकाला गया और पुलिस को सूचना दी गई। थाना इज्जत नगर के थाना प्रभारी और एसपी सिटी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने अस्पताल को चारों तरफ से सील कर दिया। उसके थोड़ी देर बाद ही एसपी सिटी ने आवश्यक निर्देश दिए। उनके निर्देश पर पुलिस लाइन से एएस टीम अस्पताल पहुंची। पुलिस को कहीं कोई बम नहीं मिला। इस मैसेज से अस्पताल में हड़कंप मच गया। अस्पताल के मालिक मुकेश वर्मा ने बताया कि हमने स्वयं मरीजों को बाहर निकाला और अस्पताल खाली करा दिया था। दोपहर वैसे ही सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गईं। पुलिस की चेकिंग शुरू हुई, कहीं कोई बम नहीं मिला। सुबह 10:30 बजे के आसपास का टाइम था। मैं अपने घर पे ही था जिस टाइम मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आया अननोन नंबर से, जिसमें यह कहा गया है कि आपके अस्पताल में बम रखा हुआ है जो कि रिमोट कंट्रोल द्वारा उपचारित होगा और 2 बजे का उसका समय है फटने का। अगर इस मामले में कि आप पुलिस प्रशासन को इन्वॉल्व करते हो तो आपको आगे उसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। सेम मैसेज मेरे हॉस्पिटल के रजिस्टर जो रिसेप्शन का नंबर है उस पर भी आया, सेम मैसेजेस थे, जिसके बाद हमने पुलिस को इन्फॉर्म करा 112 नंबर पे, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है। क्या पता लग पाया कौन था, किसने मैसेज? अभी ये जानकारी मेरे पास में नहीं है। पहले ऐसे कभी कुछ नहीं हुआ। आपकी किसी कोई बुराई? मैं ऐसे कुछ नहीं है, कोई बुराई नहीं है। मरीजों का आना जाना लगा रहता है अस्पताल में, जीवन और मौत दोनों ही चलती रहती है, तो ये कहना मुश्किल है। पिछले 7 दिन में किसी से आपकी हॉटअप हुई हो? नहीं, किसी से नहीं है। पिछले 7 दिन में मैं बरेली था भी नहीं, मैं गया हुआ था, हाईकोर्ट भी गया हुआ था किसी अपने पर्सनल काम के लेकर के, और उससे पहले मैं हरिद्वार गया हुआ था। सूचना के दौरान देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।